हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे आरवी किचन में स्वागत है। तो देख लीजिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। जैसे कि रोज़ की तरह मेरा तो काम है खाने का ही काम, वैसे तो सारा काम मैं ही करती हूँ, लेकिन फिर भी खाना सबसे पहले है। तो देख लीजिए मैंने कढ़ाई रख दी, तेल गर्म हो चुका था अच्छे से, सरसों के तेल में कर रही हूँ। इसमें जीरा अजवाइन सौंफ डाल दी, बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। तो आप लोग बताइए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। वैसे आप सब कैसे बता पाएंगे, करना तो मुझे ही है, मैं ही बता देती हूँ आप सबको। इसलिए बारीक कटा हुआ प्याज हरी मिर्च डाल दी हूँ, अच्छी तरह से ये लाल हो जाएगा, पहले अच्छी तरह से भूनूंगी। देख लीजिए, तो आप सब बताइए कि जैसे सुबह के नाश्ते में ब्रेकफास्ट में आप लोग क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं। मेरा तो कोई फिक्र नहीं है कि क्या बनाऊँ, जो मन में आता वही बना लेती हूँ, वही बना देती हूँ। तो देख लीजिए अच्छे से ये लाल हो चुका था। हाँ, उसके बाद बारीक कटा हुआ टमाटर रखी हूँ, ये भी डाल दी हूँ। इसे भी डाल के अच्छी तरह से इसे गला दूँगी, पकाऊँगी। देख लीजिए थोड़ी देर भुनने पर तो खुद ही पक जाएगा, गल जाएगा टमाटर। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, भगवान करे आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त रहें अपने अपने लाइफ में। तो देख लीजिए स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। नमक डालने से क्या होगा, ये टमाटर जल्दी गल गया मेरा। और जो मैं ये डाल रही हूँ, यह है चावल, जैसे रात में चावल जो बच जाता है उसे सुबह के टाइम अगर नहीं कोई खाया, जैसे रात में खाना वाना बाहर से खा के आ जाते हैं या बच गया रात में, ज़्यादा बन जाता तब भी बच जाता है, तो हम उसे इधर उधर भैया नहीं फेंकते, नहीं डालते कूड़े में, क्योंकि या तो गऊ माता को दो, तो गऊ माता रोज यहाँ आती नहीं है हमारे घर के पास। तो इसीलिए मैं चावल जो बच गया था उसे उठा के रख दी थी फ्रिज में, सुबह के टाइम उठ के इसे अच्छी तरह से बारीक कर ली हूँ। करने के बाद देख लीजिए इसमें सब चीज़ें मिला दी, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ धनिया डाल दी हूँ, इसमें थोड़ी सी घी डालूंगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, इसमें ऊपर से नमकीन डाल के खा सकते हैं आप। तो ऐसे ही अगर आपके घर, देख लीजिए मैं घी डाल रही हूँ, देसी घर का घी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो अचार के साथ खाइए, नहीं दही के साथ खा लीजिए, ऐसे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर बच जाता है रात का चावल वाल, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, फ्राई कर देती हूँ, इसे फ्राई चावल बोल सकते हैं आप। तो आप लोग बताइए कि आप लोग भी अपने घर पर ऐसे करते हैं कभी, अगर मान लो रात में चावल बच जाए या शाम को चावल बच जाए, तो शाम को टाइम जैसे सुबह का चावल बच गया तो शाम को आप कैसे उसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे। तो आप इस तरह से करके खा सकते हैं, इससे क्या होगा सामान वेस्ट भी नहीं जाएगा और खाया भी जाएगा, अच्छा लगता है खाने में। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करिए। मेरे वीडियो से नए जुड़े हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोग जैसे कमेंट में अच्छा अच्छा कमेंट करिए, आप लोग का प्यार सपोर्ट ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मैं बताती हूँ, आप लोग भी यूट्यूब के जरिए मेरे फैमिली बन चुके हैं, कई से भाई बहनें हैं मेरी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार सपोर्ट देती हैं। तो मैं चाहती हूँ सब लोग इसी तरह प्यार सपोर्ट करें मेरा, क्योंकि मैं आप सबसे बहुत उम्मीद लगा रखी हूँ। देख लीजिए मेरे खाने में क्या क्या है, लाइक